दोस्तों बॉलीवुड में आज भी जब जब खलनायकी की चर्चा होती है तो बैटमैन यानी गुलशन ग्रोवर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुलशन की डायलॉग डिलीवरी एवं स्टाइलिंग काफी अनूठी रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो वो अपनी आंखों से ही बिन बोले बहुत कुछ कह डालते हैं। गुलशन ने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी कई दमदार भूमिकाओं में जान डाली है। सिनेमा जगत के प्रशंसकों के बीच गुलशन की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी दिलचस्पी लेती है। तो आज हम अभिनेता गुलशन ग्रोवर के फैंस के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें चर्चा उनके प्रारंभिक और पारिवारिक जीवन पर की जाएगी। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। गुलशन जी का जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम विशंभर नाथ ग्रोवर और माता का नाम राम राखी ग्रोवर था। गुलशन के पिता एक कपड़ा व्यवसायी थे। गुलशन की माँ एक गृहिणी थी। इनके दो भाई और बहन हैं। भाइयों का नाम रमेश ग्रोवर और सोनू ग्रोवर है जबकि बहन का नाम रीता ग्रोवर है। दोस्तों इनके माता पिता और भाई बहनों की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। गुलशन ग्रोवर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। उन्हें पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता था और वो हमेशा अपने स्कूल में अव्वल नंबर ही पाते थे। हायर सेकेंडरी में भी वो फर्स्ट क्लास से पास हुए थे जिसके कारण इनको दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आसानी से दाखिला मिल गया। यहाँ इन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की, साथ ही नाटक में भी भाग लेते रहे। गुलशन ग्रोवर ने लिटिल थिएटर हाउस भी ज्वाइन किया था। वहीं गुलशन जी चाहते थे कि इनकी पढ़ाई भी साथ साथ में चलती रहे। इन्होंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में भी ट्रेनिंग ली। गुलशन ग्रोवर की कड़ी मेहनत देखकर रोशन तनेजा साहब ने इन्हें एक्टिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दे दी। यहां इन्होंने कई कलाकारों को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई। उनको फिल्म हम पांच में पहली दफा एक छोटा सा रोल मिला। हालांकि वो मानते हैं कि उनकी पहली फिल्म हम पांच नहीं बल्कि रॉकी है क्योंकि रॉकी की शूटिंग पहले ही शुरू हो गई थी। उधर हम पांच में इनके कड़ी मेहनत से शबाना आजमी ने इनको अवतार फिल्म में भी काम दिला दिया। अवतार में इनके काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद सदमा में भी इनके काम की बड़ी तारीफ हुई। इसके बाद तो मानो फिल्मों की झड़ी लग गई। वीराना, रामलखन, सौदागर, तहलका, अनाड़ी जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड ही नहीं गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का परिचय दिया। उनकी हॉलीवुड मूवीज में से बीपर, ब्लाइंड एम्बिशन, प्राइजनर्स ऑफ द सन और भी ऐसी ही फिल्में हैं। जंगल बुक में बाल्डियो को इन्होंने अपनी आवाज दी है। ग्रोवर की लेटेस्ट मूवी 2021 में आई है जिसका नाम है कैश और सूर्यवंशी। उनको 2006 और 2001 में बेस्ट विलन अवार्ड फिल्म 10 और आगाज के लिए मिला था। 2012 में फिल्म आई एम कलाम के लिए स्टारडस्ट में बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला था। बात करें गुलशन ग्रोवर की शादीशुदा जिंदगी की तो गुलशन जी ने फिलोमिना ग्रोवर से 1998 में शादी की पर दोनों की शादी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और 3 साल में ही 2001 में उनका और फिलोमिना का तलाक हो गया। गुलशन ग्रोवर को फिलोमिना से एक बेटा हुआ जिसका नाम संजय ग्रोवर है। साल 2003 में गुलशन ग्रोवर ने दूसरी शादी की जिसका नाम कशिश ग्रोवर है पर कशिश के साथ भी गुलशन की शादी नहीं चल पाई। गुलशन के बेटे संजय ग्रोवर भी एक एक्टर हैं। हॉलीवुड प्रीमियर स्टूडियो MGM मेट्रो गोल्डविन मायर जहां इन्होंने एज अ डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। संजय बॉलीवुड में भी एंट्री कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस करेंगे एक वेब सीरीज जिसका नाम है माँ योगा लक्ष्मी। गुलशन ग्रोवर को हम और भी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखेंगे जैसे 2022 में नो मींस नो, द गुड महाराजा। दोस्तों आशा करते हैं गुलशन ग्रोवर और उनके परिवार से जुड़ी हुई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही ये भी बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस सेलिब्रिटी को देखना पसंद करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को अपना सहयोग देते रहें। आपका धन्यवाद।